वेलकम बैक गाइस, अभी मैं हूँ फ्रेशको के बाहर एंड आज हम लोग देखेंगे कि एक 8 आवर्स की शिफ्ट में जब बंदा मिनिमम वेज पे काम करता है तो टैक्स वैक्स कटा के उसको $115 मिलते हैं। सो $115 में कितने दिनों की कितने लोगों की ग्रोसरीज हम लोग कनाडा के अंदर कर सकते हैं। सब लोग बोलते हैं ना इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा है, तो लेट्स सी $115 में हम लोग कितनी ग्रोसरीज कर सकते हैं आज। ज्यादा देर नहीं करते, वीडियो शुरू करते। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, कमेंट नहीं करते हो तो कर दिया करो, अच्छा लग रहा है, अच्छी कर रहे हैं। अब ज्यादा देर नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो कंटिन्यू करते हैं गाइस। बट वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आप लोग मुझे बताओ अभी कितने बज रहे होंगे, गेस करना है कमेंट में जरूर बताना। सो मैं आपको बता दूं अभी बज रहे 8:50, मतलब रात के 9 बजने वाले हैं और अभी देखो अभी भी अंधेरा हुआ नहीं है। सो इसका मतलब है जब समर्स आते हैं तो दिन बहुत लंबे होते हैं एंड रात बहुत छोटी हो जाती है एंड विंटर्स में इसका रिवर्स हो जाता है। मेरा फ्रेंड गाइस ऑलरेडी, मैं जब इंट्रो बना रहा था ना तो अंदर आके शुरू कर चुका था। सो बता देता हूँ ये हम लोगों ने लिया है अराउंड $7 के आसपास है, देन दिस इज लाइक $0.5। इसका प्राइस है $2 के आसपास का है एंड ये $1 के आसपास का है गार्लिक। ये $6, $5 एंड ये कैबेज का भी अराउंड $2 से $3 के आसपास का है। सो अभी आपको बताता हूँ और क्या लेते हैं। एप्पल लिए गए 6 एप्पल एंड रेट $2 के आसपास का है। सारे जो भी फ्रूट्स है गए, एप्पल हो या लेमन हो या जो भी हो, इसके रेट पर LB में है। सो 79 सेंट्स अगर आप लोगों को मैं कहूँ तो पर LB है एंड LB वहाँ पे आपको मीटर दिख रहा होगा, मीटर क्या है इसको, जो भी वजन कांटा है जो भी बोल लो, तो यहाँ पे मेजर करके लेना होता है। सिंपल चीज़ है, आप लोगों को बता देता हूँ। गार्लिक वार्लिक का तो इस तरीके का होता है, जो भी आपको 5 दिख रहे हैं ना उसका रेट होता है $1 के आसपास। आज गाइस जब अंदर आए थे ना तब से हम लोगों ने प्लान किया था कि ग्रीन वेजिटेबल ज़्यादा लेंगे। ये एक चीज़ मिली है पूरे के पूरे यहाँ पे, बिकॉज और कुछ हमारे लायक है नहीं। भिंडी विंडी मिलती है बट भिंडी इतनी मतलब अच्छी रहती नहीं है, तो हम लोग फ्रोजन ही लेते हैं। बट इंडिया जैसा टेस्ट अपना भिंडी विंडी में आता नहीं है, सो इस तरीके का कामकाज है। बाकी का तो अभी दोस्त ले रहा है जिंजर विंजर एंड जिंजर का रेट दे सकते हो आप, ये भी पर LB है $3 के आसपास का है। बड़े बड़े अच्छे रहते हैं यहाँ पे देखो। स्ट्रॉबेरीज देख रहा हूँ, स्ट्रॉबेरीज तो मिल नहीं रहे, सो अभी रास्बेरीज देख रहे हैं। रास्बेरी का रेट देख सकते हो गाइस 4.59, मतलब इसके डॉलर मतलब टैक्स वैक्स ऐड करके $5 के आसपास हो जाएगा एंड ये 170 ग्राम्स का है, सो ये पूरा $5 के आसपास का है। वैसे हम लोग ये वाले लेते हैं हमेशा एप्पल्स, बट इस बार वो वाले लिए थोड़ा चेंज के लिए। लेमन के ऐसे बॉटल्स भी मिलते हैं गाइस, नॉर्मल वाला लेमन भी वहाँ पे है बट यहाँ पे आपको इस तरीके के बॉटल्स भी मिलते हैं। कॉस्को में आप लोगों ने बताया ना बड़ा वाला बॉटल मिलता है, यहाँ बड़ा नहीं मिलता है। सो इस तरीके का छोटा बॉटल रहता है, $1 के आसपास का रहता है। अभी फिलहाल ये लेना पड़ेगा बिकॉज ख़त्म हो गया है। केक का सेक्शन आता है गाइस, यहाँ पे हमेशा हमारे घर में मगजमाली होती है कौन सी लेनी है। सो मेरे को आज सोच रहा था कुछ अलग ट्राई करते हैं वनीला वाला, बट फ्रेंड बोलता है कि भाई लास्ट टाइम हम लोगों ने कुछ अलग ट्राई किया था और उसमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया था। सो चलो छोड़ दो, आपको कभी भी ना ऐसे फोटो वोटो देख के कभी एक्साइटमेंट हो जाना, बिकॉज अंदर जब खाओगे ना तो अलग ही कुछ निकलेगा। अगर एक बार कुछ ट्राई किया है तो मैं सही बताऊँ हम लोग हमेशा यही लेते हैं, $5 के आसपास का है ये एंड ये बहुत सही रहता है। दूसरा ट्राई किया है मैंने बट इतना मज़ा नहीं आता है। सो अगर आपको करना है कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से तो मैं ऑलवेज यही रिकमेंड करूँगा। सो ब्रेड लिए गाइस, $3 के आसपास का ब्रेड है एंड ये 3-4 लोगों का ग्रोसरी हो रहा है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग $115 में 3 लोग कितना दिन तक खाना खा सकते हैं, ठीक है, वो आज आपको पता लगेगा। अभी गाइस मैं हूँ नॉनवेज सेक्शन में एंड ये पूरा का पूरा जो सेक्शन दिख रहा है ना आप लोगों को, यहाँ से लेके ये पूरा, ये सारा का सारा नॉनवेज का खाना है, ठीक है। हम लोग खाते नहीं है बट आप लोग को प्राइजेज में दिखा देता हूँ। देखो $14, $12, $6 डिपेंड करता है, $15-$20 की रेंज में सारा कुछ है यहाँ पे। ये $5 का है, पता नहीं क्या है, आपको अगर पता हो आप खाते हो सो विल हैव एन आइडिया। $7 का है ये, देन दिस इज आई थिंक दिस इज बीफ $11 का, पता नहीं क्या क्या है देख लो। हम लोग ये लेंगे नहीं, सो मेरी ग्रोसरीज तो वेज ही होगी। सो आप लोग अगर वेजिटेरियन हो तो आपके काम का है, नहीं हो तो भी मैं जो चीज़ें ले रहा हूँ ये तो यूजुअली सारे ही खाते हैं डे टू डे बेसिस पे, ब्रेड्स एग्स ये सब तो हम सब खाते ही है। सो आप बैक रिब्स ये आपको $3 में पड़ेगा ये इफ़ यू ईट इट। मेरे को अभी भी याद है मैंने ना एक रेस्टोरेंट में काम करता था तो मैंने कट किया था इसको। ये आता है रेस्टोरेंट में, इसको गर्म पानी में डालते हैं एंड देन कट करते हैं। एक तरीका होता है इसको कट करने का, बिकॉज ये जो दिख रहा है ना इस वे में कट किया जाता है। तो भाई दही लिया है, ठीक है। मेन तो हम लोग यहाँ पे फ्रेशको में ना दही दूध ब्रेड ये सब चीज़ों के लिए आते हैं, कैबेज वैबेज और ये सारी चीज़ों के लिए आते हैं। बट आज सोचा आलू भी ख़त्म हो गए थे, ओनियंस भी ख़त्म हो गए थे, चीज़ें ख़त्म हो रही थी, तो सारा कुछ ले लेते हैं एंड दिस इज़ अराउंड लाइक $2-3 के आसपास का है ये। तो दो ये लिए हैं एंड ये 2-3 के आसपास का है। गवारी फ्रोजन है, ठीक है। भिंडी विंडी भी फ्रोजन ही होती है यहाँ पे। वैसे तो नटेला खाते नहीं थे बट एक बार ये वाला हेजल नट वाला नटेला खाया तो भाई बड़ा मस्त लगा है। आई थिंक ये $8 का है, सो हम 4 लोग शेयर करते हैं इसको एंड भाई देखो दूध भी आ गया
सो 2.3 अच्छा 3% वाला है ना, तो ये शायद $7, $6, $6.50 के आसपास का होगा। आपको प्राइस स्क्रीन पर देखने मिलेंगे बिकॉज मैं रैंडम तुक्का लगा रहा हूँ एंड बिल देखने के बाद मैं प्राइस स्क्रीन पर डाल दूंगा, सो आप लोग को एग्जैक्ट प्राइस स्क्रीन पर देखने मिलेगा। आ जाते भाई हमारे फेवरेट सेक्शन में आ जाते हम। पहले आलू पराठा फ्रोजन लेते थे बट आई डोंट रिकमेंड आलू पराठा फ्रोजन, तो पनीर पराठा खाया करो वो फिर भी ठीक रहता है। एंड इट इज़ अराउंड 329 का है, दिखे आपको बाहर से दिखा देता हूँ। टैक्स वैक्स का 340-350 का हो जाता है, तो ये दो ले लेते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें गाइस, ओनियन कुलचा अगर आप लोगों को खाना है, भटूरा खाना है, फिर पूरन पोली खानी है, ये सारी अच्छी चीज़ें रहती है, खा रखी है मैंने सारी, आपको अगर लेनी हो तो ले सकते हो। $3-4 के इर्द गिर्द में ही रहता है सबके प्राइजेस। गार्लिक नान भी अच्छा रहता है अगर आपको लेना है। पहले भी हम लोग आते हैं ठीक है, हमारे घर में सारे खाते हैं ये, तो ऐसी बॉटल्स ये शेप में इतनी क्वांटिटी फ्रेश को भी मिलता है, कहीं पे भी नहीं मिलता है। एंड दिस इज $5, सो टैक्स वैक्स इज 550 के आसपास चला जाता है। जो सेक्शन दिख रहा है ये पूरा स्नैक्स वाला सेक्शन है। यूजुअली हम लोग स्नैक्स भी लेते हैं बट आज ग्रोसरीज है तो सिर्फ ग्रोसरीज ही लेंगे ठीक है, आलू देन प्याज एंड ये सब चीज़ें ही हम लोग लेंगे। और वैसे भी हम दो बंदे आए, चार लोगों का लेने के लिए आए, सो ज़्यादा ले भी नहीं पाएंगे। सो स्नैक्स आज नहीं आएगा, सिर्फ आप लोग को ग्रोसरीज ही दिखाऊंगा ठीक है। ऑयल लेंगे भाई, ऑयल आता है अपना $14 यानी 3 लीटर है, 3 लीटर है। मैं हम लोग यूजुअली ये कहीं और से लेते हैं, बड़ी वाली क्वांटिटी आती है एंड 17-18 में आ जाता है, बट वो शॉप अभी बंद हो गई है सो यहीं से ले लेंगे इसको। राइस के सेक्शन में हूँ गाइस एंड राइस हमारे घर में अभी आधा बोरी पड़ा हुआ है, सो लेंगे नहीं इसको, बट अगर आपको ये लेना है तो अराउंड $23 में पड़ता है एंड दीप का अच्छा आता है ठीक है, ऑनेस्टली बताऊँ तो। बाकी सारे भी यहाँ पे काफ़ी सारे ब्रांड्स आप लोग को देखने मिल जाएंगे बट मैंने कुछ खाए भी नहीं है एंड एक दो खाए हैं जो बहुत भयानक रहते हैं, सो दीप खाते हैं एंड दीप ही अच्छा रहता है। फ्रेशको से वैसे मैं राइस लेता नहीं हूँ, एक और स्टोर है मैंने जैसे आपको बताया, ऑयल राइस हम लोग वहाँ से लेते हैं ठीक है। सो $23 का है एंड मैं आपको पैसे तो पूरा लेते हैं ग्रोसरी वोसरी एंड देन देखते हैं कि कितना बिल जाता है। सो आई थिंक $100 के आसपास चला जाएगा जितना सामान हम लोगों ने लिया है, अगर नहीं गया तो राइस भी ऐड कर देना बिकॉज ग्रोसरी में राइस भी आता है, हम लोग देखेंगे एंड में कितना जाता है एंड उस हिसाब से कैलकुलेट करके आप लोग को बताता हूँ। बट अगर आप लोग ये लेते हो ना तो चार लोगों के लिए ये आराम से 2-3 महीना जाएगा, डिपेंड आप राइस कितना खाते हो, बट हम लोगों के लिए तो आराम से 3 मंथ्स तो चला ही जाता है, 3-4 मंथ्स जाता है। लास्ट टाइम ये लिया था तो 4 महीने चला था, सो चार लोगों के लिए 4 महीना इज़ नॉट बैड $23 में। आइसक्रीम का सेक्शन गाइस हमारा फेवरेट सेक्शन है, सो ग्रोसरीज आप मानो या ना मानो आइसक्रीम तो हम लेने ही वाले हैं। ये वाले खाए हैं मैंने, काफ़ी अच्छे रहते हैं, कैरेमल, ये वेनिला कैरेमल है, काफ़ी अच्छा रहता है, ऊपर चॉकलेट रहता है अंदर कैरेमल रहता है, काफ़ी सही। इसमें कैरेमल नहीं रहता है, खाली सिंपल डिप्ड वेनिला है, जो वेनिला रहे बट खाली कैरेमल नहीं रहेगा। ये वाले भी खा रखे, ये भी काफ़ी अच्छे होते हैं। आइसक्रीम में तो कुछ भी बोल लो सारे ही अच्छे हैं एंड कॉर्न वॉर्न का खाना है तो ये सेक्शन में मिलेगा आप लोग को, बट अगर डब्बों वाला खाना है ना ये काफ़ी अच्छा रहता है। बट सही बताऊँ, एक बात बताऊँ, जब से आइसक्रीम खा रहा हूँ ना मेरे यहाँ पे दाने दाने बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं ठीक है, अगर मैं ये वाला आइसक्रीम खाता ना तो दाने बहुत फेस पे आ जाते हैं, सो इसलिए हम लोग काफ़ी टाइम से ये बंद किया हुआ है हम लोगों ने। वैसे $6 के आसपास का रहता है एंड काफ़ी सही है, इस क्वांटिटी देखो कितनी आती है, 4-5 बंदों के लिए आराम से 15-10 दिन चलेगा ये, डिपेंडिंग कितना खाते हो आप। बट ये अभी लेना बंद किया है हम लोगों ने, सो हम लोग अभी सिर्फ कॉर्न वाले लेते हैं, तो इसमें पिंपल थोड़े कम होते हैं। दो लिए गाइस, ये दोनों के प्राइस यहाँ पे देख सकते हो $5.50, टैक्स वैक्स $6 के ऊपर चला जाएगा। डेयरी मिल्क लिया है, दो लेते हो तो $4 में पड़ेगा, buy 1 for 5, तो क्या करें, दोस्त को लेना नहीं है तो मैं ले लेता हूँ। तो मैंने डेयरी मिल्क ली गाइस, मेरे को लगा वो चॉकलेट नहीं लेगा बट किटकैट उठा के लेके आया, ये $4 का है एंड ये आपने जैसे देखा $5 का है। तो ये होता है कभी कभी ना, जब मानते नहीं रूममेट्स तो थोड़ा बहुत भाव ज़्यादा देना पड़ता है, दो अगर डेयरी मिल्क ले लेते तो हमको $4 में पड़ जाता, बट अब ये दो अलग अलग लिया तो $9 में पड़ेगा, सो ग्रोसरी इसलिए बढ़ रही है अभी हमारी। कभी कभी क्या होता है ना गाइस, यहाँ पे ना प्राइजेस लिखे नहीं होते, तो बहुत बार कनाडा में बहुत मगजमारी रहता है, अपने इंडिया में तो MRP पीछे मारा होता है या कहीं पे भी मारा होता है, बट यहाँ पे हमेशा MRP नहीं रहता है, कुछ कुछ केसेस में MRP होता ही नहीं है, सो तुक्का ही लेना पड़ता है। सो ये अंकल पूछ रहे थे कितना है, बट पता नहीं है किसी को कितना है, सस्पेंस ही है। तो कोथमीर लेने जा रहा हूँ गाइस, हमेशा कोथमीर और मेथी में मेरे को कन्फ्यूजन ही होता है, सो लेट्स सी। कटेटी भी खाते गए हम लोग, सो ये $3 के आसपास कैच लेंगे नहीं बिकॉज बहुत टाइम से यही खा रहे थे, एप्पल वेप्पल खा रहे नहीं थे, तो इस बार एप्पल लिया है हम लोगों ने जैसे आपको दिखाया मैंने। फ्रूट्स गट्स पूरे भी मिलते हैं एंड ऐसे कट करे हुए फ्रूट्स भी मिलते हैं यहाँ पे, सो ये कितने का $4 के आसपास का है सारा, टैक्स वैक्स के साथ 450 के इर्द गिर्द पहुँचेगा। एप्पल्स भी आप लोग को कट मिल जाएंगे
मैं रिकमेंड नहीं करता ये लेना, आप लोग नॉर्मल रॉ अपना एप्पल होता ना वही ले लो, रेट में फ़र्क है एंड जो एप्पल खाने का मज़ा आता है ना नेचुरली, वो इसमें मज़ा नहीं आता। तो दोस्तों हम लोग प्लास्टिक खाएंगे आज, बड़ा मन कर रहा था, बहुत दिनों से खाया नहीं था। तो यहाँ पे ना सिम कार्ड करके मिलता है, ठीक है, तो वो कार्ड जब आप यहाँ पे परचेस करते हो तो पॉइंट का अपने इंडिया में कैसा सिस्टम होता है, आप जब भी खरीदते हो उसको टैप करोगे ना तो उसके ऊपर पॉइंट मिलेगा आप लोग को, एंड एक सर्टेन पॉइंट्स होने के बाद आप लोग को जो भी ग्रोसरीज लेते हो उसके ऊपर डिस्काउंट भी मिलता है। सो अगर लेना है तो ले सकते हो, मैं तो ये सब चीज़ें लेता नहीं हूँ। जब भी आते हो ना गाइस घर से थैली लेके आओ, बिकॉज थैली का चार्ज देखो 35 सेंट्स का थैली है। सो हम ये सब घर से ही लेके आए थे, जब भी आते हो ना बैग वैग ले लिया करो, सो बार बार आपको लेना ना पड़े। जोश जोश में गाइस ले तो लिया है ये सब, इसको उठा के अभी बस स्टैंड वहाँ पे वो साइड पे कहीं पे है, सो 3 नंबर की बस वहाँ पे आती है, तो इसको उठा के अभी लेके जाना है, बहुत ज़्यादा वज़न है इसका। बस जा चुकी है गाइस, हम लोग 3 मिनट्स लेट हुए बस स्टैंड पे पहुँचने में, सो अभी जस्ट निकल गए यहाँ से, कहीं नहीं अभी दूसरी बस है 20-25 मिनट्स के अंदर। सो तब तक मैं आप लोग को पूरा बताता हूँ कितना हम लोगों ने सामान लिया है एंड उसका बिल कितना हुआ है। टोटल बिल गाइस हमारा हुआ है $133.34, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे टैक्स वैक्स मिला मिला के। सो मेरे हिसाब से एक शिफ्ट में आप लोग इतना सामान नहीं ले सकते, बिकॉज $115 मैक्सिमम आप लोग कमाओगे टैक्स वैक्स काट के, और अगर राइड करके जाते हो तो $15-$10 और काट लो, मतलब $100 के आसपास आप लोग कमाओगे अगर राइड करके कहीं जा रहे हो, एंड राइड नहीं कर रहे हो तो 115। बट हमारा बिल 133 गया है, सो ये सारी चीज़ें $133 में आती है। देखो कुछ चीज़ें मैंने फालतू की ली है, जैसे आइसक्रीम हो गया, चॉकलेट हो गया, एंड देन पनीर पराठा हो गया, ये सब एक्चुअली में ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग प्रॉपर ग्रोसरी ही बात कर रहे हो तो आटा हो गया, राइस हो गया, ऑयल हो गया, देन कुछ सब्जियां हो गई, वो सारा कुछ आप लोग को $110-$115 के अंदर आ जाएगा। बट मैंने थोड़ा थोड़ा फालतू फालतू चीज़ें ले ली है, तो इसके वजह से हमारा बिल 133 चला गया है। एंड वन मोर थिंग, ये मेरा खुद का नहीं है, 4 लोगों का है सामान जो पीछे आपको ये बेंच पर हम लोगों ने रखा है अभी तो यहाँ पर। सो ये आई थिंक जितना भी सामान आप लोग को दिख रहा है ना, 1 मिनट रुको दिखा देता हूँ आपको। तो सारा जो सामान है ना ये मैक्सिमम 15-20 डेज़ का गेम है 4 लोगों के लिए, 15-20 दिन तक आराम से चलता है। एंड अगर आप राइस की बोरी मैंने जो आपको बताया ना वो ले लेते हो तो 2 से 3 महीना आराम से निकल जाएंगे, अगर आप लोग राइस थोड़ा मिनिमम खाते हो तो। तो इस तरीके का कई कामकाज है यहाँ पे। $133 में आप लोगों ने देखा कितना सामान आया, किस तरीके से है सारा कुछ, कैसा लगा डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, वीडियो कैसा था आपको और कौन से वीडियोस चाहिए मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन कमेंट करके बताना। फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए। Thank you.